सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, एक लेडी पाकिस्तान से तीन देशों की सीमा लांग करके आ जाती है और देश की सिक्योरिटी के ऊपर ऐसा तमाचा मारती है कि किसी को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। चार बच्चों को लेकर भाई साहब इंडिया के अंदर घुस गई, अपना घर मकान बेच दिया 12 लाख रुपए में। ये तो उसने खुद अपने मुंह से कबूली है कि मैंने अपना घर बेचा 12 लाख रुपए में, और भाई साहब वो पाकिस्तान के रास्ते दुबई जाती है, दुबई के रास्ते नेपाल जाती है, और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में आती है। एक औरत मतलब 5 पासपोर्ट, 4 तो खुद के लेके घूम रही है और बाकी 4 जो उसके बच्चे हैं उनके अलग अलग पासपोर्ट भी तो लगे होंगे पाकिस्तान से दुबई जाने में, ऐसे ही तो आनी गई। और प्रेम की कहानी, प्यार मोहब्बत के सबूत दे रही है सीमा हैदर, और ये सचिन जो झिंगुर की शक्ल का केंचुए जैसा शरीर ले रखा है इस इंसान ने यार, मतलब इसके भी प्यार में, अबे पागल चुईया इसके प्यार में बावली ना हो यार। ये सीमा हैदर फिर भी थोड़ी देखने में खूबसूरत लग रही है, और ये झिंगुर जैसी शक्ल का इसके खुद के कॉलोनी वाले कह रहे हैं, या छछुंदर सा चुचुंदर जैसी शक्ल इसके प्यार में बावली होके पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, और नेपाल से यहाँ अपने चारों बच्चों को लेकर कोई आ रही है, क्या बावली पंती की बातें चल रही है यार। ये सोच तेरी पैणी देख रहे हो, मेरी खुद की हालत ऐसी हो गई है, मतलब मेरे से खुद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था अब ये मंजर, और ये हालत है हमारे देश के लोगों की, मतलब कुछ भी यकीन कर लेते हो यार। ये सीमा हैदर 5वीं फेल है, पूरी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है। अरे पाकिस्तान के क्रिकेटरों से इतनी तगड़ी अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, जो कम से कम 50 देशों का भ्रमण कर चुके हैं उनकी कभी अंग्रेजी सुनी है तुमने? और ये सीमा हैदर फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, खेल चल रहा है, ठिठोली चल रही है, हो क्या रहा है देश में? और देश की सीमा ऐसे ही कोई उलांग के आ जाएगा है, इतनी बढ़िया हिंदी बोल रही है, अंग्रेजी तो दूर की बात है। अबे हमारे यहाँ के कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से इतनी तगड़ी अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, वे अटक जाते हैं सुसरे। हमारे देश के आधे से ज्यादा नेता नहीं बोल पाते हैं, हमारे देश के क्रिकेटरों के मुंह से तुमने सुनी होगी वो भी इतनी बढ़िया कई दफे तो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। वीरेंद्र सहवाग, युवराज, ये बाद में सीख गए अलग बात है, लेकिन पहले तो नहीं बोल पाते थे ना। और ये लेडी, ओ भाई साहब, प्यार मोहब्बत की हीर, रांझा, सोनी महिवाल, सबकी कहानियां फेल हो जाएंगी भाई साहब। हमने तो गदर मूवी में देखा था सिर्फ खाली तारा सिंह पाकिस्तान चला जाता है, ये लेडी तारा सिंह इंडिया आ गई, दुबई पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल होते हुए इंडिया में आ गई, सारी सीमाओं को चकमा दे दिया इसने, सारे बॉर्डर की ऐसी तैसी कर दी इसने, और भाई साहब पता नहीं क्या मखौल मचा रखा है देश में। सारे न्यूज चैनल वाले साले बावले हो रखे यार। मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था गाइस, बट स्टिल आई हैड टू मेक दिस वीडियो, तो मेरे को बनानी पड़ रही है। भाई तुम क्या गधे घोड़े हो क्या? क्या खाते हो? घास खाते हो, रोटी खाते हो, गू खाते हो, क्या खाते हो? समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे झिंगुर के प्यार में एक इतनी खूबसूरत महिला बावली हो जाएगी, और 5वीं फेल साले ये दोनों के दोनों, इनको पबजी में दोनों की मुलाकात। साला मैं यहाँ ग्रेजुएट, डिप्लोमा सब कुछ करे बैठा, अरे मेरे को पबजी खेलनी तक नहीं आती है, और मेरे जैसे ना जाने कितने नौजवान है इस दुनिया में जिनको पबजी भी खेलनी नहीं आती है, और ये गधे घोड़े पबजी पे मुलाकातें कर रहे हैं, पबजी पे इनकी प्यार मोहब्बत की कहानियां शुरू हो रही हैं यार। ये कैसे लोग हैं, ये किस प्रकार की दुनिया चल रही है? और सब और हमारे देश की सरकार आराम से प्यार मोहब्बत के मजे ले रही है, मतलब इसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा हैरानगी की बात है। मैं अपनी सोसाइटी में दो मैम से पूछना चाहता हूँ, मैम आप लोग भी सीमा हैदर की बातें तो सुन ही रहे हैं आजकल, सीमा हैदर सचिन पता ही होगा, जो पाकिस्तान से एक लेडी भाग कर आई है, देखो 5वीं फेल है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, जहाँ हमारे देश के इतने सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं इतनी नहीं बोल, आपको लग रहा है कोई पाकिस्तान से अपने चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से कोई दुबई, दुबई से नेपाल, और नेपाल से यहाँ इंडिया में आ जाएगा? आपको लग रहा है बहुत आसान है?
नहीं आसान नहीं है हम खुद नहीं जा सकते जा हैं, सकते हम तो इतना जबकि आसान है, हाँ बिल्कुल भी नहीं मतलब आसान दुबई जाना इतना आसान है किसी की हेल्प के बिना और नहीं कोई जाते। एक लेडी ऐसा झिंगुर सी शक्ल वाला केंचुए जैसी शक्ल है उस इंसान की और देखिए उसकी प्यार मोहब्बत में कोई पागल होकर मतलब अपना घर बार बेच दे, अरे कोई जॉन इब्राहिम होता, अर्जुन रामपाल सलमान खान जैसी शक्ल वाला होता तो हम यकीन भी कर लेते एक बार को, लेकिन नहीं, ये तो इंसान देखो ना यार आप पंचर टायर है वो। नहीं मैं ये तो नहीं कहूंगी शकल पे तो किसी के शकल नहीं पे तो जाना चलो मत चाहिए जाओ, अरे रईसी भी तो लेकिन, नहीं है आज की डेट हाँ में, एक औरत क्या देख दे, चलो कोई सिखा किसी के ऊपर बहुत ऊपर वाले इंद्र 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 भगवान का कोई रूप हो, कोई बहुत पैसे वाला हो, कुछ कोई कला हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई फिल्म अभिनय कुछ तो हो, अरे पंचर लगाने वाले आजकल ई रिक्शा कमाने चलाने वाले भी उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान है, और मतलब ऐसे कैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये सब कैसे ध्यान मतलब रखाने के तरीके हैं बस, मतलब अब कह नहीं मेन सकते बाकी हमें नहीं ये लग रहा किसी की हेल्प के नहीं बिना कोई आ सकता है, किसी की हेल्प भी नहीं और इतना आसान और ये है भी पैसे नहीं भी है, लगते हैं इतने पैसे इतने उसने तो, वो कोई इनकम का लेकिन सोर्स उसने नहीं कहा कि उसके मैंने पास, अपना घर बेच दिया 12 लाख रुपए में, तो घर भी ऐसे कैसे बेच देंगी, मतलब कोई कोई रिलेटिव उसका होगा वो कैसे बेचने देंगे, हाँ। उसको ये नहीं पता है कि 4 बच्चे तो घर बेच के बच्चों को कहाँ लेके बच्चों जाएगी, को रातों रात लेके निकल गई और बच्चों के वो भी पासपोर्ट बन, आपके हाँ पास पासपोर्ट है ये देखो आपके पास नहीं, दे ये हाँ देख रहे हो मेरे देश की दो लेडीज मेरे साथ दो आंटियां खड़ी है इनके पास अपना पासपोर्ट नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं ग्रेजुएशन है देखो ग्रेजुएट है और इनके पास पासपोर्ट नहीं, वो 5वीं फेल ने अपना पासपोर्ट बनवाया, 4 बच्चों के पासपोर्ट बनवाए अब बनवाए खुद लेके निकल गई, अब बनवाए आपके अंदर इतनी हिम्मत है आप अकेले दुबई निकल जाए, पासपोर्ट अपना चोरी छुपे परिवार से बनवा के दुबई निकल जाए और दुबई से नेपाल और करते करते ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है, नहीं नहीं है भाई नहीं, एक्चुअली साहब बच्चों को तो देखना है घर गृहस्थी वाले हैं ऐसे कैसे चले एग्जैक्टली जाएं, घर गृहस्थी देखना है और इतना आसान नहीं होता है कि चुपचाप ऐसे 4 पासपोर्ट बच्चों के उठाए और चुपचाप निकल गए रातों रात दुबई निकल गए रातों, कितना मुश्किल होता है ये, क्या आसान है नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है ये, इसके पीछे कोई साजिश है, कोई बहुत बड़ी साजिश है, ये इतना आसान नहीं है। आपका नाम क्या मैम? पूनम चौहान। पूनम चौहान आपका नाम? उषा। उषा जी पूनम चौहान और उषा जी अभी मेरे साथ थे, हमने इनसे बातचीत करी, हमने एक औरत का नजरिया जाना कि कैसे क्या इतना आसान हो सकता है, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बहुत आप भी दिन रात वैसे न्यूज देख ही रहे हो है ना, पूरे टाइम न्यूज पे सिर्फ यही चल रहा है और कुछ आपको दिख रहा है? आसान तो नहीं है 4 बच्चों को ले जाना, कहीं भी आसान तो है नहीं। 4 बच्चों को क्या मैं कह रहा हूँ, खुद भी जाना बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अकेले घर से निकल जाना भी बहुत मुश्किल होता है, 4 बच्चे कहाँ लाद के घूमते रहोगे तुम यार, आज की रेट में एक होटल करना कितना मुश्किल है, कहाँ से लेडी आई, ऐसे कैसे 4 बच्चे अकेली कैसे घूम रही हो, कितना मुश्किल होता है, कितने सारे सवाल खड़े होते, न्यूज वाले हवा बना रखा है यार इस चीज को, नहीं बना रखा, दिन रात यही चले जा रहा, पागलपंती की हरकतें चली जा रही, लेकिन हमारे देश की सरकार चुपचाप सोई पड़ी है, किसी को कोई लेना देना ही नहीं, देखा आप लोगों ने, तो मतलब इतना आसान नहीं होता यार, इतना हुआ बनाने की जरूरत नहीं, चुपचाप पकड़ो सीमा बैठाओ और लोगों से पूछताछ करो, 1 मिनट में क्या मतलब 2-4 घंटे में तो आपके सामने सच निकल के आ ही जाएगा, तो गाइस इतना हुआ बनाने की जरूरत नहीं है, सीमा हैदर सचिन, सीमा हैदर सचिन, दिन रात साला मैं भी थक गया हूँ रील देख देख के, बावलीपंती हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको पकड़ो अंदर करो और ये सचिन को भी 2 लाफे लगाओ, ये झिंगुर छुचुंदर कैचुए को पकड़ो, 1 मिनट में दम तोड़ देगा ये। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच, और सीमा हैदर सचिन ये साले को इनको हैशटैग करना बंद कर दो बस, थैंक यू।